हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है। तो जैसा आप सभी को पता है, श्रीमती सुषमा स्वराज जी जो कि अम्बाला हरियाणा से बिलोंग करती हैं, इनका कल रात 6 अगस्त 2019 को महज 67 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया है। और देखिए, ये राजनीति में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। इन्होंने हरियाणा राजनीति में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। दिल्ली की सीएम भी रह चुकी हैं, मिजोरम की गवर्नर भी रह चुकी हैं, विपक्ष की नेता भी रह चुकी हैं और जो है विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। तो इनके ऊपर अक्सर हरियाणा के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत ही दुखद घटना है, महज 67 वर्ष की उम्र में ही इनका देहांत हो गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, इनसे जुड़े और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सुषमा स्वराज जी के ऊपर अक्सर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सुषमा स्वराज जी हरियाणा में किस जिले से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। तो आने वाले एग्जाम के लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन इनके पास बनेंगे। पहला क्वेश्चन है, सुषमा स्वराज का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 14 फरवरी 1952 को श्रीमती सुषमा स्वराज जी का जन्म हुआ था। और देखिए, इनका जन्म हुआ था पंजाब में, ठीक है, अभी हरियाणा में है अम्बाला, पर जब इनका जन्म हुआ था 1952 में, उस समय जो है हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है, आप जो है अम्बाला हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सुषमा स्वराज का जन्म किस राज्य में हुआ? तो देखिए, अगर हमारे पास हरियाणा ऑप्शन में आएगा तो हम 100% हरियाणा पर ही टिक करेंगे, क्योंकि अब जो है अम्बाला हरियाणा में आता है, पहले पंजाब में आता था। अगर हरियाणा ऑप्शन में नहीं होगा तो हम पंजाब पर जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, श्रीमती सुषमा स्वराज जी का निधन कब हुआ? तो आपको पता है 6 अगस्त 2019 को इनका निधन हो गया है, महज 11:30 बजे के लगभग समय में निधन हुआ है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इनका निधन कहां पर हुआ है, तो इनका निधन जो हुआ है वो दिल्ली में हुआ है और दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इनका निधन हुआ है। इनके निधन का कारण जो है हार्ट अटैक बताया जा रहा है, ओके। और अभी जो है थोड़े दिन पहले, 1 साल पहले इनकी किडनी ट्रांसप्लांट भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो ये आप सभी को पता है, ये हरियाणा के एग्जाम्स में HSSC में बहुत बार क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। श्रीमती सुषमा स्वराज जी का जन्म हरियाणा के अम्बाला जिले में हुआ था और अम्बाला कैंट में हुआ था 14 फरवरी 1952 को। जब इनका जन्म हुआ था हम डिस्कस कर चुके हैं, तब जो है हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, ओके। तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, कितने वर्ष की उम्र में सुषमा स्वराज जी का निधन हो गया? तो ये क्वेश्चन भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो सुषमा स्वराज जी का निधन जो आपको पता है 6 अगस्त 2019 को रात को 11:30 बजे के लगभग इनका निधन हुआ है दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। तो देखिए, इनका निधन जो है 67 वर्ष की उम्र में हुआ है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सुषमा स्वराज जी किस राजनीति पार्टी से संबंधित थी? तो सुषमा स्वराज जी के बारे में आप सभी को पता है, यह भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थी और बीजेपी की स्थापना आपको पता होना चाहिए 1980 में हुई थी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, और ये बीजेपी से संबंधित थी। ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही जवाब होगा, सुषमा स्वराज जी किस पार्टी से संबंधित थी? तो बीजेपी से संबंधित थी, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है। सुषमा स्वराज जी 2009 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संसद में विपक्ष की नेता चुनी गई थी। तो सुषमा स्वराज जी संसद में विपक्ष की नेता भारतीय जनता पार्टी द्वारा कब चुनी गई थी? तो सन 2009 में। इससे पहले भी वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुकी हैं और इन्होंने 1998 में केंद्रीय मंत्रिमंडल को छोड़ दिया था और उसके बाद वो दिल्ली की सीएम बन चुकी थी, आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है। तो देखिए, भारत की पहली पूर्ण रूप से विदेश मंत्री पूछेंगे तो हमारा सुषमा स्वराज आंसर आएगा, अगर पूछा जाए भारत की पूर्ण रूप से पहली विदेशी महिला। और देखिए, इससे पहले इंदिरा गांधी विदेश मंत्री बन चुकी हैं, ठीक है, और वो विदेश मंत्री 2 बार विदेश मंत्री बन चुकी हैं इंदिरा गांधी, बट ये विदेश मंत्री बनी थी कार्यवाहक के रूप में, कभी भी पूर्ण रूप से विदेश मंत्री नहीं बनी,
कार्यवाहक के रूप में इन्होंने 2 बार विदेश मंत्री का पदभार संभाला है। और पूर्ण रूप से पहली विदेश मंत्री महिला कौन है, तो वो सुषमा स्वराज जी हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। तो उम्मीद करूंगा ये आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे हमारा 8वां है, वर्ष 1977 में किसे हरियाणा की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री का गौरव प्राप्त है। तो 1977 में हरियाणा की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है, तो सुषमा स्वराज को प्राप्त है। महज 25 साल की उम्र में ही अंबाला से ये कैबिनेट मंत्री बनी थी हरियाणा की, ठीक है। सन भी ध्यान रखेंगे 1977 में। तो ये हरियाणा के जो एग्ज़ाम है उनके लिए सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1977 में हरियाणा की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री कौन रही थी, तो सुषमा स्वराज रही थी, और उम्र भी ध्यान रखेंगे महज 25 साल की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1998 में कैबिनेट मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है। तो देखिए, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं सुषमा स्वराज जी। ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही होगा। कब बनी थी, 1998 में बनी थी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री। और देखिए, ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनी थी, आपको बता दूं 13 अक्टूबर से लेके 1998 में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, और 3 दिसंबर 1998 तक ही ये मुख्यमंत्री रही हैं। और ये दिल्ली की 5वीं मुख्यमंत्री थी, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली की 5वीं मुख्यमंत्री थी और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, 1998 में ये बनी थी, और 1998 में इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, सुषमा स्वराज जी निम्न में से किस प्रदेश की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस फैक्ट के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, सुषमा स्वराज जी जो है मिजोरम की गवर्नर भी रह चुकी हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिएगा, उससे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन्होंने सनातन धर्म कॉलेज से संस्कृति और राजनीति में अंबाला से स्नातक किया है, ठीक है। फिर इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से विधि यानी कि कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। और देखिए, ये पहले पेशे से एक वकील थी, इन्होंने वकालत की शिक्षा भी पास की है। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है कि इन्होंने सनातन धर्म कॉलेज से इन्होंने संस्कृति और राजनीतिक शिक्षा किस कॉलेज से प्राप्त की है, तो SD कॉलेज अम्बाला। और इन्होंने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से प्राप्त की है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने वाली पहली महिला थी। तो भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो भी सुषमा स्वराज जी थी। और देखिए, राष्ट्रीय ये बहुत ही अच्छी प्रवक्ता थी, प्रवक्ता के ऊपर भी इनको 2 से 3 अवार्ड भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 12वां, भारत की पहली महिला सांसद जी जो 2 बार सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार जीता है। तो देखिए, पहली बात, किसी भी महिला सांसद को 1 बार भी सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है। तो सुषमा स्वराज जी पहली हैं जिनको 1 नहीं 2 बार सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिल चुका है। तो सुषमा स्वराज जी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके, और देखिएगा यहाँ पे, और देखिए, ये विपक्ष की नेता भी रही थी 2009 से लेकर 2014 तक, ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। आपको पता है ये भारत की विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, भारत की पूर्ण रूप से विदेश मंत्री महिला कौन थी, सुषमा स्वराज जी थी। तो उसका कार्यकाल मैं बताना भूल गया, उसका कार्यकाल था 26 मई 2014 से लेकर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कार्यकाल, 30 मई 2019 तक, ठीक है। तो ये भारत की विदेश मंत्री रही थी इतने टाइम तक, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पे सुषमा स्वराज जी 1977 से 1982 तक हरियाणा विधानसभा के सदस्य रही थी, तो ये आंकड़ा आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए। जुलाई 1977 में सुषमा स्वराज जी ने हरियाणा में जनता पार्टी की सरकार में मजदूर और रोजगार विभाग में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो ये हरियाणा में मजदूर और रोजगार विभाग में भी कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। इसके बाद 1987 से 1990 की अवधि के दौरान सुषमा स्वराज जी भारतीय जनता पार्टी एवं लोक दल के गठबंधन वाली सरकार में हरियाणा की शिक्षा, खाद्य एवं सिविल सप्लाई मंत्री भी रही हैं।
तो हरियाणा की शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं, सिविल सप्लाई और खाद्य मंत्री भी रह चुकी हैं 1987 से 1990 के बीच में। और देखिए यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सुषमा स्वराज जी के पिता का नाम क्या था? तो ये था हरदेव शर्मा। इनकी माता का नाम था श्रीमती लक्ष्मी देवी। ओके, इनके भाई बहन भी है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, गुलशन शर्मा और वंदना शर्मा। इनके पति का नाम जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनके पति का नाम था स्वराज कौशल। ओके, इनकी एक बेटी थी बांसुरी स्वराज। तो गाइस यही था आपका सुषमा स्वराज जी के ऊपर एक वीडियो जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो देखिए मैं 67 वर्ष की आयु में इनका जो है निधन हो गया। एक बार इनको फिर से श्रद्धांजलि, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।